वेलकम टू माई चैनल अगेन. टूडे वी विल स्टडी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज गैमेटोजेनेसिस. आज हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. मतलब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. गैमेट बनने को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. फॉर्मेशन बनना. अब वी हैव टू टाइप ऑफ गैमेट विच इज मेल गैमेट और होता है फीमेल गैमेट. जब मेल गैमेट बनता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. हम इसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. मेल गैमेट होता है स्पर्म, तो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ऐसे ही फीमेल गैमेट का होता है, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ओजेनेसिस. ओजेनेसिस मतलब ओ मतलब एग और ओवम. ओवम जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है या एग होता है, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इट इज ओजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस में तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस. अभी बताया स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट. ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट. स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों में थ्री स्टेप्स होती है. फर्स्ट वन मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, थर्ड इट इज मैच्यूरेशन फेज. ये तीन स्टेप्स स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होती है और ओजेनेसिस में भी होती है. तो हम देखते हैं कि कैसे.
spermatogenesis. Oogenesis. कंपेयर करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. यहां पर हमारे पास होता है प्रिमोर्डियल सेल. क्या होता है प्रिमोर्डियल सेल? ये जो प्रिमोर्डियल सेल होता है वह होता है डिप्लॉइड, यानी कि 2n. डिप्लॉइड मतलब क्या? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. इस सेल के पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. मैंने अभी बताया था तीन स्टेजेस है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज. तो अभी ये कौन सा फेज करेगा? मल्टीप्लीकेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा? प्रिमोर्डियल सेल डिवाइड करेगा और बनाएगा टू मोर सेल्स. यह भी डिप्लॉइड होंगे, यह भी डिप्लॉइड होंगे. फिर यहां टू सेल्स जो होंगे ये फिर डिवाइड करेंगे. और बनाएंगे फोर प्रिमोर्डियल सेल्स. यह भी डिप्लॉइड होंगे, इट विल ऑल्सो डिप्लॉइड. अब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन फेज यानी क्या? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लाई मतलब क्या? माइटोसिस. माइटोसिस हुआ इधर. क्या हुआ यहां? मल्टीप्लीकेशन फेज. फेज जिसे हम माइटोसिस भी बोलते हैं, है ना? माइटोसिस मतलब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन फेज. अब यहां से हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट होगा. ये हमारा था फर्स्ट फेज, अब सेकेंड फेज हमारा होगा. क्या था सेकेंड फेज हमारा? ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये चार जो सेल्स बने हैं ये फूड एक्यूमुलेट करेंगे, बहुत सारा फूड जमा करेंगे और अपने साइज को बड़ा करेंगे. ये चारों करेंगे लेकिन हम एक पर फोकस करके पहले स्टडी करते हैं. तो एक की बात करते हैं, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें फूड एक्यूमुलेट हुआ है. फूड एक्यूमुलेट होने के बाद ये बड़ा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. ये हमारे ग्रोथ फेज के बाद ये बड़ा हो गया है. और क्या बना है हमारे पास? ये बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है. यहां पर यह अभी भी डिप्लॉइड है. फिर यह क्या करेगा? यह था हमारा सेकेंड फेज जो हमने बोला था ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज हमारा कंप्लीट होता है क्योंकि फूड एक्यूमुलेट हुआ है. जो फूड जमा करने के बाद इसने अपने साइज को बड़ा किया है और बनाए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. थर्ड स्टेज हमारी होगी
maturation phase. मैच्योरेशन फेज जो है हमारी थर्ड स्टेज है. थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये मियोसिस करेगा. अब मियोसिस टू स्टेप होती है, टू स्टेप प्रोसेस है मियोसिस. स्टेप वन स्टेप टू, दैट इज मियोसिस वन और मियोसिस टू. मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन मतलब ये अपने क्रोमोसोम को भी हाफ कर देगा. जो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम जो थे वो हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये मियोसिस हो गया है. इधर वन मियोसिस वन, तो यहां मियोसिस वन हो गया है. अब यहां ध्यान रखना है कि अभी तक सब कुछ डिप्लॉइड था, लेकिन यहां पर हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है. यहां 46 था, यहां 23 हो गया है. क्या हुआ था यहां पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस वन किया था और बनाया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉइड है. अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है फिर से मियोसिस करेंगे, मियोसिस टू. मियोसिस करके ये बनाएंगे स्पर्मेटिड्स. अब यहां क्या हुआ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने स्पर्मेटिड्स बनाए हैं. क्या करके, मियोसिस टू. इन्होंने मियोसिस टू किया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने और बनाए हैं स्पर्मेटिड्स. अब स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, यानी कि प्रोसेस करेंगे कि ये अपना शेप चेंज कर ले. ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि इनका फंक्शन है मूव मूवमेंट. इनको जाना होता है ऊपर, तो इसके लिए इनको मूवमेंट के लिए इनका शेप चेंज करना होता है ताकि ये मूव कर सके. शेप चेंज करके ये बनाते हैं इस शेप का लगभग. और क्या बनाएंगे, स्पर्म. स्पर्म बनाते हैं. स्पर्म को हम और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ. अब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्पर्मेटिड्स इंटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटिड्स से स्पर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. और यहां पर इसका नाम मैंने लिखा नहीं है, लिख देती हूं. प्रिमोर्डियल सेल से, प्रिमोर्डियल सेल ने दो बार माइटोसिस करके जो सेल बनाए हैं, चार सेल्स, उनका नाम है स्पर्मेटोगोनियम. यानी कि हमें क्या समझना है, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रिमोर्डियल सेल ने माइटोसिस वन माइटोसिस टू करके
चार स्पर्मेटोगोनियम बनाए, चार स्पर्मेटोगोनियम, चारों स्पर्मेटोगोनियम ये प्रोसेस करेंगे, लेकिन हमने एक पर फोकस करके एग्जाम्पल समझा है कि कैसे। तो एक स्पर्मेटोगोनियम की बात करते हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम फूड एक्यूमुलेट करेंगे और अपने साइज को बड़ा करेंगे, साइज बड़ा करने के बाद वह बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि होगा डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉइड था, अभी तक पूरी प्रोसेस डिप्लॉइड में ही चल रही है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन करेंगे, मियोसिस वन करके बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करने के बाद जो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो होगा हैप्लॉइड, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, क्योंकि मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू करेंगे और बनाएंगे स्पर्मेटिड्स। कितने स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे? चार। चार स्पर्मेटिड्स जो होंगे वो ट्रांसफॉर्म होंगे या अपना शेप चेंज करेंगे और बनाएंगे स्पर्म। चार स्पर्म बनेंगे, चार स्पर्म, स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमें क्या समझना है, एक प्रिमोर्डियल सेल से हमारे बनते हैं 16 स्पर्म, एक प्रिमोर्डियल सेल से बनते हैं 16 स्पर्म। कैसे? अगर एक स्पर्मेटोगोनियम चार स्पर्म बना रहा है, एक स्पर्मेटोगोनियम चार स्पर्म बनाएगा, तो यहां तो वी हैव फोर स्पर्मेटोगोनियम, चार स्पर्मेटोगोनियम है तो 16 स्पर्म बनेंगे, यानी कि पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में बनते हैं 16 स्पर्म, 16 स्पर्म्स। देन और अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पर्मेटोगोनियम वन स्पर्मेटोगोनियम एक स्पर्मेटोगोनियम से बनता है चार स्पर्म, तो चार स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म बनेंगे? 16। या एक प्रिमोर्डियल सेल से बनते हैं 16 स्पर्म, ऐसे भी बता सकते हैं। या क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि चार प्रिमोर्डियल सेल कितना बनाएंगे, तो अगर एक 16 बना रहा है तो चार को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये थी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। इसमें तीन प्रोसेस हुई थी, तीन फेज थे, तीन स्टेप्स, मतलब प्रिमोर्डियल सेल ने माइटोसिस करके चार सेल्स बनाए थे, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर स्पर्मेटोगोनियम, चार स्पर्मेटोगोनियम ने ये प्रोसेस करके 16 स्पर्म बनाए, तो हमने एक को देखा था। स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जिसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, यहां से मैच्यूरेशन फेज चालू हो जाता है, फिर मियोसिस वन मियोसिस टू करके ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्म बनाता है, पूरी प्रोसेस होती है मैच्यूरेशन फेज। तीनों फेज मिलकर बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम आते हैं ओजेनेसिस पे। अगर हम ओजेनेसिस की बात करें, ओजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग, बता दिया था अभी। इसमें भी प्रिमोर्डियल सेल है, वी हैव प्रिमोर्डियल सेल, प्रिमोर्डियल सेल क्या है ये? डिप्लॉइड, डिवाइड करेगी, जैसे कि मैंने बताया था तीनों, दोनों में स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस दोनों में तीन स्टेजेस होगा, मैच्यूरेशन मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ फेज मैच्यूरेशन फेज। तो अब हम आ रहे फर्स्ट फेज है मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे और दो सेल बनाएंगे, माइटोसिस हुआ इधर, फिर ये दो सेल फिर डिवाइड करेंगे, फिर माइटोसिस से चार बनाएंगे सेल, यहां पर सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये हो गया हमारा माइटोसिस मल्टीप्लीकेशन फेज। मतलब फर्स्ट स्टेज
माइटोसिस हुआ इधर, माइटोसिस। प्रिमोर्डियल सेल ने माइटोसिस करके चार ओगोनियम बनाए हैं। क्या बनाया? ओगोनियम हमारे बने हैं यहां, फोर ओगोनियम। अब ये ओगोनियम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहां देखा था चार स्पर्मेटोगोनियम बने, तो यहाँ चार ओगोनियम बने हैं। अब हमने चारों वही सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन हमने एक की बात की है, तो यहाँ भी चारों सेम प्रोसेस करेंगे लेकिन हम एक की बात करते हैं। तो एक ओगोनियम क्या करेगा, फूड एक्यूमुलेट करेगा, अपने साइज को बड़ा करेगा, खाना जमा करके अपने साइज को बड़ा करके ये बनाएगा प्राइमरी ओसाइट। ये बन गया हमारा प्राइमरी ओसाइट। ये भी डिप्लॉइड है। कौन सा फेस था ये? ग्रोथ फेस। ग्रोथ फेस यानी कि सेकेंड फेस। सेकेंड फेस था, डिप्लॉइड बना है। जो सेल बना है उसका नाम है प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट बना है। अब प्राइमरी ओसाइट क्या करेगा, ये हमारा था मल्टीप्लीकेशन फेस या ग्रोथ फेस हो गया, बड़ा हो गया सेल, ग्रोथ कर ली उसने अपनी फूड एक्यूमुलेट करके। अब प्राइमरी ओसाइट क्या करेगा, मियोसिस। मियोसिस वन, मियोसिस वन करके प्राइमरी ओसाइट बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और बनाएगा पोलर बॉडी। ये हमारी पोलर बॉडी है और ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सॉरी, प्राइमरी ओसाइट मियोसिस वन करके बनाएगा सेकेंडरी ओसाइट और बनाएगा पोलर बॉडी। यह मियोसिस टू करेंगे अब दोनों क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और पोलर बॉडी, मियोसिस टू करेंगे। मियोसिस टू करने के बाद सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा ओवम या एग और एक पोलर बॉडी। पोलर बॉडी मियोसिस करने के बाद बनाएगा टू पोलर बॉडी, तो हमारे पास बन जाएंगे तीन पोलर बॉडी और एक बन जाएगा ओवम। ओवम और एग के फॉर्मेशन को ओजेनेसिस बोला था हमने, तो यहां पर हमको मिल गया है एक ओवम। ये ओवम बना या एग, ये पोलार बॉडी, थ्री पोलार बॉडी। ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम, जिसमें प्राइमोर्डियल सेल होता है जो कि डिप्लॉइड होता है, माइटोसिस करके टू सेल बनाता है, वही टू सेल माइटोसिस अगेन करके चार सेल बनाते हैं। जो चार सेल बनते हैं उनका नाम होता है ओगोनियम। ओगोनियम यहां तक डिप्लॉयड कंडीशन है पूरी, उसके बाद ओगोनियम सभी चारों ओगोनियम ये प्रोसेस करेंगे, लेकिन हमने एक पर फोकस कर एक पर कंसंट्रेट करके बनाया है, मतलब समझा है। तो ओगोनियम
ग्रोथ फेस करेगा। ग्रोथ फेस में क्या होता है, फूड एक्यूमुलेट करता है, खाना जमा करके वह अपने साइज को बड़ा करता है और तभी भी वो अपनी कंडीशन डिप्लॉयड ही रहेगी, मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे और बनाएगा प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट मियोसिस वन करके सेकेंडरी ओसाइट बनाएंगे और पोलार बॉडी बनाएंगे। मियोसिस वन करने के बाद सेकेंडरी ओसाइट बनता है, पोलार बॉडी बनता है। सेकेंडरी ओसाइट जो बना है वो है हैप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है। यहाँ पर रिडक्शन डिविजन हुआ है क्योंकि मियोसिस हुआ है। अब सेकेंडरी ओसाइट और पोलार बॉडी मियोसिस टू करेंगे। मियोसिस टू करने के बाद सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा ओवम या एग, उसको बोलते हैं, और एक बनाएगा पोलार बॉडी, और पोलार बॉडी टू पोलार बॉडी बनाएगा। तो एक ओगोनियम से हमें मिला वन एग और थ्री पोलार बॉडी। तो इसमें भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक प्राइमोर्डियल सेल बनाता है एक ओवम, ये क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स है जो कि एमसीक्यूज पे आते हैं। वन प्राइमोर्डियल सेल बनाता है एक ओगोनियम इन ओजेनेसिस। एक मिनट, वन प्राइमोर्डियल सेल 16 स्पर्म बनाते हैं, कहां पर, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और एक प्राइमोर्डियल सेल 4 मतलब 4 ओवम या एग बनाते हैं ओजेनेसिस में। 4 कैसे ओवम बने, अगर एक ओगोनियम, हमने बोला था कि चारों ओगोनियम यही प्रोसेस करेंगे लेकिन हमने एक की बात की थी, तो एक ओगोनियम ने एक ओवम बनाया है तो 4 ओगोनियम 4 ओवम बनेंगे। तो एक प्रिमोर्डियल सेल से 4 ओवम बनते हैं ओजेनेसिस की प्रोसेस में। एक स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं 4 स्पर्म, 4 स्पर्म, कहां पर, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और एक ओवम बनाते हैं, 1 ओवम और एग इन ओजेनेसिस। तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कि एक प्रिमोर्डियल सेल कितने स्पर्म बनाता है, या एक स्पर्मेटोगोनियम कितने स्पर्म बनाता है, या एक ओगोनियम कितने ओवम बनाते हैं इस प्रोसेस में, या ऐसे भी आता है कि एक प्रिमोर्डियल सेल ओजेनेसिस में कितनी पोलार बॉडी बनाएगा। तो एक ओगोनियम 3 बना रहा है तो 3 × 4 = 12 पोलार बॉडी बनाएगा वो एक प्रिमोर्डियल सेल। ऐसा भी इसको पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि एक ओगोनियम कितनी पोलार बॉडी बनाता है, तो 3 पोलार बॉडी। इस तरीके से छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स है जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिए। और जो मैंने 3 फेजेस बताए थे, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, मुग्रोमा। मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज। अब एक चीज जो मैं बताई नहीं थी वो मैं एक और बता देती हूं ताकि कुछ छूटे ना। प्राइमरी ओसाइट जब सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है तब यहां पर मियोसिस वन होता है। मियोसिस वन के वक्त डिवाइड होने के बाद यहां पर ये कंडीशन होती है, इक्वल कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि
न्यूक्लियस का डिवीजन इक्वल होता है और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है मतलब साइटोप्लाज्म का रेशियो अनइक्वल होता है, बराबर डिवाइड नहीं होता है। मियोसिस वन के बाद सेकेंडरी ओसाइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म का रेशियो ज्यादा है और पोलर बॉडी का कम। सेकेंडरी ओसाइट को साइटोप्लाज्म सेकेंडरी ओसाइट में ज्यादा होता है और पोलर बॉडी में कम होता है। ज्यादा वाला पोर्शन सेकेंडरी ओसाइट को मिलता है और कम वाला पोर्शन पोलर बॉडी को मिलता है। और एक और बात मुझे बतानी है, पोलर बॉडी जो है इसका फंक्शन है कि ये है पोलर बॉडी ओवम या एग के रेशियो को, एग और पोलर बॉडी एग और ओवम के साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन रखता है। सो टुडे दिस वॉज द क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Then we will meet you soon in the next class. Tab tak ke liye goodbye.